Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Exercise 7.2 और question number 7 start करते हैं. Question number 7 में हमें कहा गया है find a vector. हमने एक vector find करना है. ठीक है? कौन से vector find करना है? जिसकी magnitude whose magnitude is 4 and is parallel to a vector given vector. ठीक है? मतलब कि जिसका magnitude क्या होना चाहिए? Magnitude should be equal to 4, ठीक है, and parallel to the vector हमें given है 2i hat minus 3j hat plus 6k hat, ठीक है, तो हमें कहा गया कि आपने एक vector find करना है, ठीक है, फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 4 होना चाहिए और इस वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए. पैरेलल का क्या मतलब है? कि मतलब के इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन भी, जो हमने फाइंड करना है वेक्टर, उसकी डायरेक्शन भी इस वेक्टर के डायरेक्शन के इक्वल होनी चाहिए. मतलब के दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन इक्वल होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड, जो हमने वेक्टर फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड 4 होना चाहिए. तो इसकी हम डायरेक्शन यूज करेंगे क्योंकि इसके पैरेलल होना चाहिए वेक्टर. ठीक है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन यूज करेंगे और मैग्नीट्यूड हमें पहले से गिवन है. तो वेक्टर में दो ही चीजें हमें चाहिए होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होती है वेक्टर में और दूसरा डायरेक्शन होती है. तो एक कंप्लीट वेक्टर बन जाता है. सही है, तो अब यहां से पहले तो हमें देखते हैं वेक्टर किसके बराबर होता है. वेक्टर v से हम सपोज कर लेते हैं कि वेक्टर v हमने फाइंड करना है. ठीक है, वेक्टर v वो हमने फाइंड करना है. सही है, तो वेक्टर v किसके बराबर होगा? वेक्टर v बराबर होगा वेक्टर v का मैग्नीट्यूड एक तो, ठीक है, उसका साथ में प्रोडक्ट किसके साथ होगा? v हैट के साथ. v हैट क्या चीज है? यूनिट वेक्टर है जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी. ठीक है, तो ये v हैट कहां से आएगा? ये देखें, हमें कहा गया क्वेश्चन में कि इस वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, मतलब कि ये v हैट और इस वेक्टर की का जो यूनिट वेक्टर है वो इक्वल होंगे. सही है, इक्वल होंगे तो उनकी डायरेक्शन इक्वल होगी ना, और डायरेक्शन इक्वल होने का मतलब ही है कि पैरेलल है, और पैरेलल तो हमें क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, तो यहां से हम v हैट इसका इसकी जो है यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, वो v हैट के बराबर आ जाएगा. ठीक है, तो हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, 2i minus 3j plus 6k का यूनिट वेक्टर कैसे आएगा? पहले इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, इस वेक्टर को फिर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा. तो इस वेक्टर को हम u कह लेते हैं. लेट u वेक्टर is equal to 2i minus 3j plus 6k. सही, अब यहां से इसका मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करते हैं. u का मैग्नीट्यूड is equal to मैग्नीट्यूड किस तरह वेक्टर का फाइंड करते हैं? जिस तरह से हम पहले फाइंड करते आए हैं कि हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर और फिर उनका उनको ऐड कर देते हैं. ठीक है, ये हमने हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर लिया और उसको ऐड कर दिया और उसका स्क्वायर रूट ले लिया. तो इस तरह से हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा. ठीक है, और साथ में उसका स्क्वायर रूट, इन सब को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 49 का स्क्वायर रूट. तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7 होता है. तो मतलब कि u का मैग्नीट्यूड, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 आ चुका है. सही है, तो अब हमने फाइंड क्या करना था? u हैट पहले फाइंड करना है. तो u हैट किस तरह आएगा? u हैट इस तरह से आएगा कि u वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो u हैट, u का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर, u वेक्टर डिवाइडेड बाय u का मैग्नीट्यूड. ये हो गया. अच्छा, अब u वेक्टर क्या था? वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, ये है 2i hat minus 3j plus 6k. 2i minus 3j plus 6k.
ये हमारे पास u वेक्टर है, इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके यूनिट वेक्टर से, यूनिट इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया हुआ है 7 है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया इसका यूनिट वेक्टर 2/7 आई हैट माइनस 3/7 जे हैट प्लस 6/7 के हैट। ये आ गया यू वेक्टर, यू का जो है यूनिट वेक्टर। अच्छा अब देखें क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि इसकी डायरेक्शन और हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर की डायरेक्शन बराबर है, इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। तो मतलब कि हमने जो वेक्टर वी फाइंड करना है उसका वी हैट बराबर होना चाहिए किसके, यू हैट के, ठीक है। जो हमें गिवन वेक्टर है उसको हमने यू यू कहा हुआ है, और जो हमने फाइंड करना है वेक्टर उसको हमने वी वेक्टर कहा हुआ है। तो दोनों के यूनिट वेक्टर्स इक्वल होने चाहिए, तो उसको हम इक्वल लिख देते हैं कि एज यू वेक्टर एंड वी वेक्टर आर पैरेलल। पैरेलल का यही मतलब है ना कि दोनों के यूनिट वेक्टर्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। क्यों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि यू यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, डायरेक्शंस होती हैं। तो पैरेलल का मतलब ही है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी, तो डायरेक्शन सेम होने का मतलब है कि दोनों के यूनिट वेक्टर्स इक्वल होंगे। यू वेक्टर इज इक्वल टू यू हैट इज इक्वल टू वी हैट, ठीक है। दोनों यूनिट वेक्टर्स को मैंने इक्वल रखा। अब यहाँ से यू हैट तो हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 2/7 आई माइनस 3/7 जे प्लस 6/7 के इज इक्वल टू हो जाएगा वी हैट के। तो ये हमारे पास आ गया वी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब हमने फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि आपने वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड ये हो और इसके पैरेलल वो वेक्टर हो, ठीक है। तो इसके पैरेलल वेक्टर, इसके पैरेलल तो हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, ठीक है। यूनिट वेक्टर भी हमारे पास आ गया, मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है, तो यूनिट वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर जिस तरह से हमने पहले भी वी वेक्टर लिखा हुआ है कि वी वेक्टर किसके बराबर होगा, वी का मैग्नीट्यूड और वी का यूनिट वेक्टर। तो वी का मैग्नीट्यूड, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किससे होगा, उसके यूनिट वेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो तो हमें गिवन है 4, और साथ में वी हैट क्या है वो हम फाइंड कर चुके हैं, ये वी हैट है, ठीक है। 2/7 आई हैट माइनस 3/7 जे हैट प्लस 6/7 के हैट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया v वेक्टर। तो इसको अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है कि यूनिट वेक्टर को हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर, ठीक है, उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी हुई है इस चैप्टर के। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक कंपोनेंट से, ठीक है, इस स्केलर को। तो ये बन जाएगा 8/7 आई हैट माइनस 12/7 जे हैट प्लस 24/7 के हैट। तो ये वह वेक्टर है जो हमें रिक्वायर्ड वेक्टर था, ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है इस क्वेश्चन में, जो हमने फाइंड करना था, जो कि एक गिवन वेक्टर के पैरेलल होगा और उसका मैग्नीट्यूड जो है 4 है। तो आप इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, वो भी 4 आएगी। इसका आई का कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट और जेड कॉम्पोनेंट को स्क्वेयर लेके इनको ऐड करके और उसका स्क्वेयर रूट लें तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है, वो चेक करने के लिए आप कर सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट है इस क्वेश्चन का। अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है, क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें तीन वैक्टर्स गिवन है, ठीक है, यू वी एंड डब्ल्यू। वो मैं वैक्टर्स पहले लिख लेता हूँ। यू वैक्टर जो है वो बराबर है 2i + 3j + 4k, ठीक है। इसी तरह से v वेक्टर भी हमें गिवन है, v वेक्टर बराबर है -i + 3j + 3j और -k, ठीक। और इसी तरह से w वेक्टर भी हमें गिवन है, जो कि बराबर है i + 6j
प्लस जेड के, इन सब के ऊपर हैट्स हम डाल देते हैं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं एक्सिस के, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के। अच्छा, ये तीन वेक्टर्स हमें गिवन हैं। अब इसमें देखें 2, 3, 4 ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, मतलब कि कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, और इसके साथ -1, +3, -1 ये भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ये 1, 6 ये z है, ठीक है। ये z जो है ये एक वेरिएबल हमें दिया हुआ है, तो हमने हमें क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि ये हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, z की जगह कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये z के क्या चीज़ शो करी है कि z एक्सिस के अलॉन्ग इसकी जो है इसका कंपोनेंट है w का, w वेक्टर का ये z कंपोनेंट बनता है, z एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन है इसका बनता है। और अगर क्वेश्चन में देखें तो हमें साथ में इन तीन वेक्टर्स की इंफॉर्मेशन एक और गिवन है कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो एक ट्रायंगल की साइड्स हैं, तीनों साइड्स हैं, ठीक है। तो मतलब कि इस तरह से ये एक ट्रायंगल बनती है, ये एक ट्रायंगल है, बल्कि मैं डिफरेंट कलर से इन तीनों साइड्स को बना देता हूँ, ये एक ट्रायंगल की दो साइड्स होगी और ये थर्ड साइड है, अच्छा। और हमें कहा गया क्या है कि ये तीनों साइड जो हैं ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, वेक्टर यू वी और साथ में डब्ल्यू हमें गिवन है, ठीक है। तो ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये यू वेक्टर है, ये फिर वी वेक्टर होगा और ये डब्ल्यू वेक्टर होगा, ठीक है। इस तरह से ये यू वी और डब्ल्यू वेक्टर्स जो हैं वो तीन साइड्स हैं एक ट्रायंगल की, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर ये जेड की वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू कोई होगी, ठीक है, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, उससे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि हमने पहले वेक्टर एडिशन पढ़ी थी, ठीक है। वेक्टर एडिशन में क्या था, किस तरह से हम वेक्टर्स को ऐड करते थे, ग्राफिकली अगर देखें तो हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करते थे, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इस तरह से हमें कोई से भी दो वेक्टर्स गिवन होते थे, ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। ये दो वेक्टर्स अगर गिवन है, हमने इनका इनकी एडिशन करनी है, ठीक है, तो हम मतलब कि इन दोनों वेक्टर्स का सम फाइंड करना है, तो वो हम किस तरह करते थे कि पहले वेक्टर को उसी तरह से, ठीक है, हमने बनाया वेक्टर ए उसी तरह से आ गया, ठीक है, और वेक्टर बी जो है हमने उठाकर इसकी हेड पे रखना है, ठीक है, पहले वेक्टर के हेड पे, मतलब कि इसकी टेल जो है वो कॉइंसाइड करनी चाहिए वेक्टर ए के साथ। तो यहाँ से इस तरह से डायरेक्शन वेक्टर बी की वही रहेगी, ठीक है, तो ये वेक्टर बी बन गया, इसको इस वेक्टर को उठा के हमने वेक्टर ए के हेड पे रखा, और बाद में क्या करना है कि पहले वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जॉइन कर देना है, ठीक है। तो ये वेक्टर एडिशन हो जाती थी, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता था इन दोनों वेक्टर्स का जिसको हम सम कर रहे हैं, ठीक है, सम करने से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वो रिजल्टेंट वेक्टर ये आर है, ठीक है। तो अगर हमें एक दो से ज़्यादा वेक्टर्स दिए हों तो हम उसको किस तरह से ऐड करेंगे कि जिस तरह से अगर ये हमें एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर है, ठीक है, दूसरा वेक्टर दिया है ये बी वेक्टर है, फिर से तीसरा वेक्टर दिया है, ठीक है, ये सी वेक्टर है, ए बी और सी, इस तरह से अगर हमें तीन वेक्टर दिए हैं तो हम उनको किस तरह से ऐड करेंगे कि ए वेक्टर को इस तरह से ऐड जो है ड्रॉ कर लिया, ठीक है, उसके ऊपर बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, उसका जो है बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड पे आ जाएगी, डायरेक्शन वही सेम रहेगी जो वेक्टर बी की पहले से है, ठीक है, तो ये वेक्टर बी आ गया। और उसके बाद क्या है, वेक्टर सी, वेक्टर सी डायरेक्शन वही रहेगी लेकिन वेक्टर बी के हेड पे आ जाएगी उसकी टेल, ठीक है, इस तरह से आ जाएगी ये वेक्टर सी, वेक्टर सी की डायरेक्शन और इस सी की डायरेक्शन सेम है, वेक्टर बी इसकी और इसकी सेम है, ठीक है, ए और ए इसकी सेम है, तीनों वेक्टर्स की डायरेक्शंस वही सेम है लेकिन बस हमने ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर को रखा, बी वेक्टर की टेल को रखा और बी वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर की टेल को रखा, और एंड पे हमने क्या करते हैं कि
ए वेक्टर की टेल को, मतलब के पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जॉइन कर देते हैं, तो हमारे पास वेक्टर एडिशन हो जाती है। ठीक है, मतलब के जितने भी वेक्टर्स हमें गिवन हो, हम इस तरह से उनका एडिशन उनकी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं कि पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से जॉइन कर देते हैं, तो उन सब वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है, एडिशन आ जाती है। ठीक है, ये किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सही है, तो अब इस ट्रायंगल में देखें तो क्या हो रहा है कि अगर हम इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करें तो क्या होगा कि वेक्टर तीनों क्या हैं, एक क्लोज्ड फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये तीनों वेक्टर्स अब इनको हम ऐड करें तो वापस हम किसकी हेड को किसकी टेल से जॉइन करेंगे। देखें, इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं, वेक्टर यू वी प्लस यू प्लस डब्ल्यू, इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करें तो क्या होगा, वेक्टर वी के हेड पे वेक्टर यू को हमने रखा हुआ है। ठीक है, वो पहले से मौजूद है। उसके बाद क्या होगा कि इन दोनों यू और वी को ऐड कर रहा हो तो फिर ये वेक्टर बनता है, वो पहले से डब्ल्यू है। सही है, तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा कि ये यहाँ से हम किसी की टेल को किसी के हेड से ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वहीं पे टेल है उसकी, वहीं पे हेड है। ठीक है, दोनों के हेड्स कंसाइड कर रहे हैं, तो मतलब किसी भी क्लोज्ड फॉर्म के अगर हमने एडिशन फाइंड करनी हो तो उसकी एडिशन इज इक्वल टू ज़ीरो आएगी। ठीक है, कोई भी तीन वेक्टर, चार वेक्टर या जो भी जितने भी वेक्टर्स हैं वो एक क्लोज्ड फॉर्म बना रहे हों, ठीक है, तो उसकी एडिशन इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। सही है, तो ये हम फाइंड करते हैं, फाइंड हमने क्या करना है, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर ये तीनों हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, एक साइड हैं ट्रायंगल की। ठीक है, साइड्स हैं, तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल की, तो तीनों साइड्स हैं तो उसका मतलब ट्रायंगल क्या होती है, एक क्लोज्ड फॉर्म होती है। तो क्लोज्ड फॉर्म क्या, अभी हमने देखा कि क्या होता है, उसका एडिशन जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि यू वैक्टर प्लस वी वैक्टर प्लस डब्ल्यू वैक्टर, मतलब कि तीनों के को ऐड किया जाए तो इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर बनता है। ठीक है, तो इसको फिर हम ऐड कर लेते हैं, यू वेक्टर हमें गिवन है, यू वेक्टर इज इक्वल टू है 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसमें हमने ऐड करना है v को और w को, v वेक्टर है माइनस i प्लस 3j माइनस फोर माइनस के, और इसमें हम ऐड करेंगे w को i प्लस 6j प्लस जेड के। सही है, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर्स, ये हमने u प्लस v प्लस w कर दिया, ये इक्वल होना चाहिए किसके, ज़ीरो वेक्टर के, क्योंकि ये एक क्लोज्ड फॉर्म बना रही है। ठीक है, हमने बात की कि किसी भी क्लोज्ड फॉर्म की एडिशन की जाए, मतलब कि कोई भी वेक्टर्स हैं उनको ड्रॉ करके, ठीक है, ऐड एक दूसरे के ऊपर जो है, एक के हेड पे दूसरे की टेल रख के, ठीक है, फिर तीसरे के दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल रख के फिर उनको ज्वाइन किया जाए, तो वो एक क्लोज्ड फॉर्म बना रहे हों, तो फिर से उनकी जो है एडिशन हो वो इक्वल टू ज़ीरो होती है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने इस ट्रायंगल में देखा कि इसके हेड पे हमने इसकी टेल रखी, ठीक है, तो ये एक क्लोज्ड फॉर्म बना रहे हैं तो तीनों वेक्टर्स, तो इसकी एडिशन इक्वल टू ज़ीरो होगी, और इनको ऐड कर देते हैं, आई कंपोनेंट में ऐड होगा, जे कंपोनेंट जे में, और के के में ऐड होगा, तो टू माइनस आई प्लस वन, तो ये वापस टू आई बन जाएगा, टू आई, और जे कंपोनेंट्स आपस में ऐड करते हैं, थ्री प्लस थ्री प्लस सिक्स, ट्वेल्व जे, और फोर के माइनस फोर के, थ्री के, थ्री के प्लस जेड के, प्लस थ्री के प्लस जेड के, ये इनकी एडिशन होगी, ये इक्वल होने चाहिए किसके, ज़ीरो के। ठीक है, तो अब हम के इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा थ्री इंटू थ्री प्लस वन इंटू के, ये बनेगा, अगर इसमें से के कॉमन लिया जाए तो थ्री प्लस जेड इंटू के।
सही इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये तो। अच्छा अब उसके बाद क्या है, 0। अच्छा 0 हम 0 वेक्टर पहले भी हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। 0 वेक्टर क्या होता है कि जिसके तीनों कंपोनेंट्स 0 होते हैं, ठीक है। तो हम मतलब के लिख सकते हैं कि ये 0i है, ठीक है, 0j है और 0k है, सही है। मतलब के तीनों कंपोनेंट्स उसके 0 है ना, तो ये 0i 0j 0k बन जाएगा। तो इज इक्वल टू 2i प्लस 12j प्लस 3 प्लस z इंटू के। अच्छा अब यहाँ से हम कॉफिशेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तीनों जो है कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये 3 प्लस z के इज इक्वल टू 0 के होना चाहिए, ठीक है। तो ये बनेगा 3 प्लस z, तो ये बन जाएगा 3 प्लस z इज इक्वल टू 0, ठीक है। k कॉम्पोनेंट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से हम z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, z इज इक्वल टू -3, सही है। तो ये हमने z की वैल्यू फाइंड कर ली, तो यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, हमें कहा गया कि द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर गिवन, ठीक है। शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, मतलब कि हमें तीन पॉइंट्स गिवन है, तीन पोजिशन वैक्टर गिवन है, ठीक है। ए वैक्टर है, बी वैक्टर है, ठीक है, सी वैक्टर है और डी वैक्टर है। तीनों वैक्टर्स हमें गिवन है जो कि बराबर हैं, ए वेक्टर बराबर है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, और बी वेक्टर जो है वो इक्वल है 3i प्लस जे, और सी वेक्टर जो है वो हमें गिवन है 2i प्लस 4j माइनस 2k, और इसी तरह से डी वेक्टर भी हमें गिवन है माइनस आई माइनस 2j प्लस के, ठीक है। ये हमें चार वेक्टर्स गिवन हैं, पोजीशन वेक्टर्स हैं, ठीक है। मतलब कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जिसके ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का वेक्टर बन रहा होता है। मतलब कि ये अगर ए पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये ओरिजिन से इस पॉइंट तक का वेक्टर जो है वो ए वेक्टर होगा, ठीक है, उसका ए का पोजीशन वेक्टर होगा। अच्छा अब यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, हमें कहा गया है कि आपने शो करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ए बी जो वेक्टर बनता है वो पैरेलल होना चाहिए सी डी के। तो यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं ए बी, पहले हमें ए बी फाइंड करना पड़ेगा फिर सी डी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी किस तरह आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिस तरह से हम दो पॉइंट्स के दरमियान में वेक्टर फाइंड करते थे वो किस तरह से होता था, अगर ए और बी पॉइंट हमें गिवन हो तो हम किस तरह से फाइंड करते थे कि बी के बी अगर हेड है, ठीक है, मतलब कि ये ए है और ये बी है पॉइंट, तो हमने ये वेक्टर फाइंड करना है। तो ये किस तरह आएगा, बी हेड, हेड में से टेल को माइनस कर देते थे, हेड के कंपोनेंट्स में से टेल के कंपोनेंट्स को माइनस कर देते थे, तो हमारे पास ए बी वेक्टर बन जाता था, ठीक है। इसी तरह से हम इसका ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे, ए बी वेक्टर आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। इसी तरह से सी डी वैक्टर भी आ जाएगा, सी डी वैक्टर क्या आएगा, पोजिशन वैक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ सी, सही है। इस तरह से हमारे पास दो वैक्टर आ जाएंगे ए बी और सी डी। तो इस क्वेश्चन में जो है वो दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। आप अगर फाइंड करेंगे ये ए बी और सी डी तो वो दोनों इक्वल आ जाएंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाएंगे। तो उसका मतलब ये होगा कि दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, और उसका इक्वल होने का मतलब ये होगा कि दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो या फिर अगर किसी और केस में अगर इक्वल नहीं आते तो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। या तो ए बी इक्वल होना चाहिए के इंटू सी डी, ठीक है, के
के जो है कोई सा भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर सी डी इज इक्वल टू होना चाहिए, सी डी इज इक्वल टू के इंटू ए बी, ठीक है, मतलब कि किसी भी एक वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा वेक्टर बन जाए, वो स्केलर मल्टीपल होता है। तो दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हों उसका मतलब ये होता है कि वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, उन दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा, ठीक है, उन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि दो शो करना है कि ए बी शुड बी इक्वल पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो उसका प्रोसीजर यही है कि सबसे पहले तो हम ए बी फाइंड करेंगे, ए बी किस तरह आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और सी डी किस तरह आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो इस तरह से फिर दोनों के रिजल्ट्स को देखेंगे कि क्या आते हैं, ए बी क्या आता है, सी डी क्या आता है, दोनों अगर स्केलर मल्टीपल हैं एक दूसरे के या इक्वल हैं तो फिर हम कह देंगे कि ये दोनों वैक्टर्स पैरल हैं एक दूसरे के।